नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। तो हाल ही में अभी एसएससी जेई के एग्ज़ाम हुए थे, यूकेपीएससी जेई भी आपका ख़त्म हो गया है। अब काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने खुद को एनालाइज किया होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि 4 से 5 घंटे डेली क्लास चलती है तो रेगुलरिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन भी अगर आपने एबसेंट कर लिया तो अगले दिन उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस में एक और परेशानी बच्चों को होती है, वो है आईज़ में स्ट्रेस आने की, क्योंकि 4 से 5 घंटे क्लासेस जब अटेंड करते हैं तो आईज़ में थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है फ़ोन और लैपटॉप में देख के। साथ ही साथ रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण, घर में कभी कुछ काम पड़ जाता है, इंटरनेट ख़राब हो जाता है या आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं जहाँ लिमिटेड इंटरनेट के साथ पढ़ते हैं, तो अब उनके पास एक और मौका है, ठीक है, एक सुनहरा मौका ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस किस एग्ज़ाम को लेके हम शुरू कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हम तीनों एग्ज़ाम को फोकस करेंगे। देखिए इस साल आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 2024 में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो अभी आपके पास एक लंबा समय है तैयारी करने का। लेकिन अगर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम अब आने वाला है वो है आरआरबी जेई। आरआरबी जेई की जो नोटिफिकेशन है वो अभी जुलाई से सितंबर के बीच में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं और देहरादून आने में सक्षम है, तो देहरादून करणपुर, करणपुर देखा होगा आपने, जहाँ पे डीएवी डीबीएस कॉलेज है, तो वहाँ पर हमारा ऑफलाइन सेंटर है। तो ऑफलाइन सेंटर में आपकी 17 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 50 बच्चे ही हम एक क्लास में बिठा सकते हैं, उतनी ही सिटिंग स्ट्रेंथ होती है। तो जो भी स्टूडेंट पहले आएगा, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है अगर आप क्लास में एनरोल होना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, ताकि हमारे पास 50 जो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक 20-22 सीटें भर भी चुकी हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सीटें बची होंगी। अगर हम बात करें कौन कौन से एग्ज़ाम को हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो आरआरबी जेई 2024-25, यानी कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा। कौन कहता है ये? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहता है, ठीक है, ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ। एसएससी जेई तो हर साल आता है, तो 2025 में भी आने वाला है। और यूजीनियल जेई, उत्तराखंड में जो वैकेंसीज़ हैं अभी फ़िलहाल, आपके इस साल तो कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है, यूजीनियल जेई अभी बस इस चीज़ में अटका हुआ है, क्योंकि जब लास्ट टाइम 2015 में हुआ था तब पंतनगर ने उसे कराया था, तो वहाँ पर पैटर्न थोड़ा अलग होता था। अब क्या है, यूके SSSC के पास इस यूजीनियल की कमांड आ चुकी थी, लेकिन बाद में आपको पता ही होगा धांधलियों के कारण फिर वो यूकेपीएससी में चला गया, तो इस वजह से ये इसी में अटका हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है कि यूजीनियल जेई जो है वो आपका यूकेपीएससी ही कंडक्ट कराए, ये हमारा मतलब ज़्यादा चांसेस हैं अभी, ठीक है। तो ये इसकी वैकेंसी भी आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगी, 2025 में देखने को मिलेगी। तो अभी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो है आरआरबी जेई 2024 का। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर है, जहाँ पर आपको पता होगा कि ALP की वैकेंसीज आ चुकी हैं जैसे कैलेंडर में दिया था, ठीक है। वैसे ही जुलाई से सितंबर के बीच में NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के साथ साथ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी लिखी गई है, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इस आरआरबी जेई में खास क्या होता है, तो देखिए आरआरबी जेई का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। हाँ, अगर आप आरआरबी जेई के लिए तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आप SSC जेई भी उसमें कवर कर लेते हो, क्योंकि नॉन टेक वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग बन जाता है। अगर हम बात करें आरआरबी जेई के पैटर्न की, तो यहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं, CBT 1। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों जो टेस्ट हैं आपके, कई बार बच्चे इसको प्री और मेंस भी कह देते हैं, तो यहाँ पर लिखित नहीं है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला, जो पेपर एक साथ नहीं होते हैं, पहले आपको पहला CBT 1 क्वालिफाई करना होगा, उसके 1.5-2 महीने बाद, या वैसे तो 6-7 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है, CBT 2 होता है। CBT 1 में अगर हम देखें तो CBT 1 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15, और जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10-10-10 यानी कि 30 क्वेश्चन। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। इसके बाद जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो, तब आपको CBT 2 देने का मौका मिलता है, और अब यहाँ पर आपकी ब्रांचेस यानी कि अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिससे भी आपने अपना डिप्लोमा या बीटेक किया है, ठीक है, वो आपको मौका मिल जाएगा यहाँ पर टेक्निकल पढ़ने का। टेक्निकल यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर नॉन टेक्निकल भी रहता है, तो वो आपकी बच्चों की छटनी करने में काफ़ी हेल्प कर लेता है। तो जनरल अवेयरनेस आपका CBT 2 में भी है 15 मार्क्स का, आपका मोस्टली उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं हम पढ़ते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस बार बायोलॉजी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, CBT 2 में बायोलॉजी नहीं होती, और फिजिक्स केमिस्ट्री होती है 15 मार्क्स की। कंप्यूटर आ जाती है 10 मार्क्स की, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल जो भी उसके इस रिलेटेड एक्ट होते हैं वो 10 मार्क्स के आ जाते हैं। टेक्निकल आपका
100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपके 150 क्वेश्चन हैं आपको करने होते हैं मात्र 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट में। चलिए, तो जैसे कि हमारी क्लासेज आपकी 17 तारीख से शुरू हो जाएंगी, आपको हमारे बारे में पता ही है कि हमारे यहाँ क्लासेज जो है वो हिंदी मीडियम में भी चलती हैं, ठीक है। डिप्लोमा हिंदी मीडियम के लिए सारी क्लासेज चलाने वाले हम एकमात्र संस्थान हैं पूरे भारत में, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में भी चलती हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में क्लासेस चलती रहेंगी, ऑनलाइन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप www.providencecoaching.in में भी जाके वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, जो आपके iOS वाले बच्चे हैं वो पर्सनली मुझसे एप्लीकेशन का लिंक ले लेना या नाम ले लेना, ठीक है। हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन जो भी बच्चे देहरादून में हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो करणपुर नामक जगह है जहाँ पर DBE और DBS कॉलेज है, वहाँ पर आपको पास में ही हमारा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। और लोकेशन देख के भी आप गूगल में लोकेशन सर्च करेंगे तो तभी भी आप आ सकते हैं, या मेरा जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, पर्सनली मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि सीट्स कम है, 17 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो सीट्स लिमिटेड हैं, तो जो बच्चे पहले आएगा जाहिर सी बात है, ठीक है, पहले बैच में वही एनरोल हो पाएगा। तो अभी हमारे पास जो समय है, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो लिखा हुआ है वो तो जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज का लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दिसंबर या जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो आराम से हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा CBT 1 के साथ साथ CBT 2 को प्रिपेयर करने का। इसलिए हम साइड बाई साइड साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि टेक्निकल बाद में शुरू करेंगे, टेक्निकली क्लासेस भी अभी से ही शुरू कर देंगे। चलिए, और ऑनलाइन वाले, ये तो ऑफलाइन क्लासरूम की बात थी, ऑनलाइन वालों के लिए तो क्लासेस चल ही रही हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं, उन 17 तारीख से जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन में वो कोर्स मौजूद है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अपना मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अपनी सीट पक्की कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, बाद में बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर क्योंकि ये लंबे कोर्सेज होते हैं, तो जो एक ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूट होते हैं वही चला पाते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन में आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो आपकी एक लंबे समय से कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करनी चाहिए, जहाँ पर बैचेस बनते हैं या जहाँ पर फैकल्टीज परमानेंट होती हैं, ठीक है। चलिए, तो जुड़ने का सभी के लिए धन्यवाद, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्लासरूम में मिलेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी।